गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह होते ही मैं आ गई हूँ किचन में गर्म पानी करने। सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ, आप लोग को पता ही होगा। वैसे मैं दिल्ली थी 10 दिन के लिए, तो वहाँ पर मेरा रूटीन गड़बड़ हो गया था। कभी पीती थी, कभी नहीं पीती, और कभी कभी ना ठंडा पानी भी पी लेती थी। कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत रूटीन तो इधर उधर हो ही जाता है, पर आ गई हूँ मैं बेंगलोर तो अपना फिर से वही रूटीन में फॉलो करने की कोशिश करूँगी। और साथ के साथ ही मैं चाय भी बैठा दे रही हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड फ्रेश होते हैं ना उनको चाहिए होती है चाय। और फिर मैं गर्म पानी लेके चली जाऊँगी बालकनी में और आराम से अपना गर्म पानी पीऊँगी, और साइड से मेरा चाय भी बन रहा है। मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और बादाम छील ले रही हूँ। एक्चुअली रात में ही मैं 10 बादाम भिगो के रख देती हूँ, 5 अपने लिए और 5 हस्बैंड के लिए। पीछे से हस्बैंड धीरे से बादाम उठा रहे हैं और बादाम के साथ ना 2-2 हम खजूर खा लेते हैं। तो चाय पीने से पहले हम यही खाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ही चाय पीते हैं। और एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोग शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो रेसिपी काफ़ी सिंपल है, लेकिन मैं अपने तरीके से आप लोगों को शेयर करूँगी। कभी होता क्या है ना कि सब्जी होते हुए भी सब्जी खाने का मन नहीं करता, या फिर मसालेदार सब्जी खाने का मन नहीं करता है। वैसे इस तरह से कुछ हल्का फुल्का खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत पहले मुझे एक कमेंट आया था ना कि कढ़ी पत्ता को कैसे स्टोर करके रखें। तो फ्रेंड्स, कढ़ी पत्ता को जब भी लाते हैं ना 2 से 3 बार पानी से ज़रूर धोएं, उसके बाद इसे सूखने के लिए रख दें। और इसे पंखे के नीचे ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। 1 से 2 दिन में सूख जाएगा अच्छे से, और जब सूख जाए तो पत्तियों को इस तरह से अलग कर देंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप इसे ग्राइंड कर लें, पर मैं ऐसे ही रखती हूँ। ये पत्तियाँ अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और 2 से 3 घंटे के लिए मैं बालकनी में रख दे रही हूँ, वैसे धूप नहीं है, बस मैं ऐसे ही रख रही हूँ। नहाने के बाद मैं ये वाला ड्रेस पहन ली हूँ, अमेजोन से मंगाई थी मैं इसे। एक तो काफ़ी सस्ता है, दूसरा इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और घर पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और सीधे मैं आ गई थी किचन में अपना लंच बनाने। और आज है बृहस्पतिवार, तो मेरे यहाँ तो बेसन की सब्ज़ी कोई ना कोई बनती ही है, लेकिन कढ़ी वड़ी खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची कि चलो चने दाल का तड़का बनाते हैं, क्योंकि चना दाल से ही तो बेसन बनता है ना, तो चना दाल की भी रेसिपी खाई जा सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चना दाल को अच्छे से धो ले रही हूँ 3 से 4 बार पानी से। और ये जो पानी है ना, मैं इसे प्लांट में डाल देती हूँ, काफ़ी हेल्दी होता है ये पानी प्लांट के लिए। फिर चावल का भी जो पानी होता है ना वो भी आप डालें, या फिर सब्जियों का भी पानी। दाल तड़का 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला ये कि कुकर में ही पहले तड़का उड़का दे के दाल ऐड करके सीटी लगा दे, वो बन जाएगा इंस्टेंट। और दूसरा ये कि पहले दाल को बॉईल कर ले, उसके बाद इसमें तड़का दें। तो मैं पहले दाल को बॉईल कर रही हूँ, इसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के हाई फ्लेम पर पहले 1 विसिल लगाएंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके 10 से 12 विसिल लगा लीजिएगा, या कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। और यहाँ पे मैं गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी आलू खाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। तो सोची कि चलो सिर्फ गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं। तो जब भी मैं गोभी को मार्केट से लाती हूँ ना, मैं हमेशा काट के बॉक्स में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा काफ़ी समय बच जाता है कुकिंग करने में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोग भी ये टिप्स फॉलो करके अपना टाइम बचा सकते हैं खाना बनाने में। क्योंकि मैं नोटिस की हूँ ना कि चॉपिंग के साथ साथ मैं जब खाना बनाती हूँ तो मेरा समय ज़्यादा जाता है किचन में, लेकिन कोई सब्ज़ी पहले से कटी हो तो फटाफट से खाना बन के रेडी हो जाता है। चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ। तो 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ, डालेंगे जीरा। जीरा जब क्रैकल हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे काटा हुआ गोभी। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि गोभी तो मैं अभी काटी हूँ, तो मैं जब मार्केट से गोभी लाती हूँ ना तो बड़े साइज का ही काटती हूँ, क्योंकि उस समय थोड़ी पता होता है कि मैं सब्जी बनाने वाली हूँ इसका या भुजिया। अभी भुजिया बन रहा है इसलिए इसे छोटा काटना पड़ा, लेकिन काटते टाइम ना सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई करके मैं काट के रख देती हूँ।
तो 2 मिनट हाई फ्लेम पे भुनना होता है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी, करेंगे अच्छे से मिक्स। मैं इसमें एक मीडियम साइज का प्याज भी ऐड कर रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गैस का फ्लेम लो करके ना इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से हम पकाएंगे। बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, भुजिया को छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा। और जन्माष्टमी था, 30 था, उसमें मैं प्रसाद बनाई थी ना, तो ये सब डब्बों में प्रसाद सब रखा हुआ था, तो वैसे ही खाली डब्बा पड़ा हुआ था। मैं सोची कि लगे हाथ इसे भी साफ वाफ कर देती हूँ। तो भुजिया तो बनके हो गया है रेडी। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता और मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। लग रहा ना एकदम टेम्पटिंग, टेस्ट भी बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब तड़का रेडी कर लेते हैं दाल के लिए। तो तेल में डाली हूँ जीरा, तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, हींग, अच्छा सा अच्छे से हल्का क्रैकल होने देंगे जीरा को। अदरक डाली हूँ कद्दूकस करके, और 3 से 4 लहसुन था। डालने के बाद हल्का सा भून लीजिएगा, और इसके साथ ही डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज। प्याज डालने के बाद ना इसे हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लीजिएगा। प्याज के साथ साथ मैं 2 हरी मिर्च भी ऐड की थी, तो प्याज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैं बीज हमेशा निकाल के ही टमाटर ऐड करती हूँ, बीज बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता हमारे लिए, ये स्टोन बीज से होती है। नमक डालती हूँ थोड़ा सा, वैसे दाल में पहले से नमक डाला हुआ है तो हिसाब से डालिएगा। और कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, बस दाल का कलर अच्छा आएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं था टमाटर को, अगर आप लोगों को गलाना हो तो गला लीजिएगा। मैं ऐसे ही खड़ा खड़ा टमाटर रखती हूँ, तड़का में देखने में अच्छा लगता है। बॉयल किया हुआ दाल ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ना इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे लो फ्लेम पे। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। लास्ट में ऐड करेंगे धनिया का पत्ता, मिक्स करते हुए गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तड़का बहुत ही यम्मी बनाता फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं यहाँ पे पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ, ये मार्केट का पापड़ है। घर से जो चिप्स आया था ना वो बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए सोची कि नहीं मार्केट का भी पापड़ खाना स्टार्ट करते हैं। अब बना लेते हैं लच्छा प्याज कुछ देसी अंदाज में। तो मैं डाली हूँ आम के अचार का मसाला, थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। बस कलर के लिए डालेंगे लाल मिर्च, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसमें अचार का मसाला डालेंगे ना तो आपको अलग से चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नींबू, ये सब कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही डिलीशियस बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। हस्बैंड तो पहले ही खाने बैठ गए हैं क्योंकि उनको भूख लगी थी, तो मैं उनको सर्व कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं अपना प्लेट लगा रही हूँ। होता क्या है ना फ्रेंड्स कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना थोड़ा लेट होने लगता है, और उनको भूख लग गई थी तो मैं उनको वेट नहीं करा सकती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। और मैं अपना मज़े से अपना लंच इंजॉय कर रही हूँ, और सच में बहुत ही यम्मी लंच बना था। सिंपल था लेकिन बहुत यम्मी था। और साइड से हस्बैंड देखिए क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, बल्कि हस्बैंड ने मैं भी देख रही हूँ, और देखते हुए अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ। शाम हो गई थी तो मैं सोची कि कड़ी पत्ता को जार में भर के रख देती हूँ। इस जार में मैं डेली यूज करने के लिए ही कड़ी पत्ता रख रही हूँ, बाकी जो कड़ी पत्ता बचेगा ना उसे मैं दूसरे बॉक्स में भर के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका कड़ी पत्ता कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।